नमस्कार, बीकेबी न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवनीत राणा द्वारा नागपुर में संजय राउत पर एट्रोसिटी दाखिल कराने की मांग, निजी सहायक के माध्यम से पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली से आए 4 कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता, संपर्क में आए लोगों की हो रही जांच। और यवतमाल में गुप्तधन के लिए पिता द्वारा बेटी की बलि का प्रयास, पिता सहित 9 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि उनके पिछड़ा वर्ग होने के कारण उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। राणा की ओर से उनके निजी सहायक विनोद गुहे ने इस मांग का ज्ञापन मंगलवार को पुलिस आयुक्त मितेश कुमार को सौंपा। सांसद राणा की ओर से दिए गए इस 2 पन्ने के ज्ञापन में 2014 से लोकसभा चुनाव से लेकर कई संदर्भ दिए गए हैं। इसमें उन्होंने शिवसैनिकों की ओर से झूठे प्रकरण दायर किए जाने का उल्लेख भी किया है। आवेदन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शिवसेना नेता राउत ने कुछ चैनलों में दिए गए इंटरव्यू में हम दंपति को बार बार बंटी बबली 420 के रूप में संबोधित करते हुए सामाजिक बदनामी की है। मुंबई के खार स्थित निवास स्थान पर शिव सैनिकों को भेजकर हमें रोकने का प्रयास किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस ज्ञापन के साथ ही पुलिस आयुक्त को सबूत के तौर पर एक पेन ड्राइव दी गई है। इस पर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने तथ्य खंगाल कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, ऐसी प्रतिक्रिया दी। उसको हम कायदा के तहत देख करके और पुलिस विभाग उसमें कैसे साथ शामिल हो सकता है उसको हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। चौकसी कर रहे हैं, चौकसी के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरीके की उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है वो अभी हम चौकसी कर रहे हैं, हम डिटेल आपको बताएंगे। खासदार संजय राउत यांनी नागपूर येथे जी पत्रकार परिषद घेतली त्यामध्ये त्यांनी खासदार नवनीत रवि राणा आणि आमदार रवि राणा यांना आम्ही 20 फूट गड्ढ्यात गाळून टाकू आणि त्यांनी आपल्या गोऱ्या स्मशानात रचून ठेवल्या पाहिजे असं म्हटलं होतं। त्याचप्रमाणे खासदार संजय राऊत यांच्या चिथावणीवरून शिवसेनेच्या एका कार्यकर्त्याने खासदार नवनीत राणा यांना चोर चांबार असे संबोधित आहे। खासदार संजय राऊत यांना पूर्णपणे माहीत आहे की खासदार नवनीत राणा या दलित आहेत आणि त्या राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत। असे असतानासुद्धा त्यांनी खासदार नवनीत राणा यांना बंटी बबली असे म्हणून संबोधले, तसेच 420 म्हटले। एका दलित महिलेच्याबद्दल असे अपमानास्पद उद्गार खासदार संजय राऊत यांनी काढले म्हणून त्यांच्यावर अनुसूचित जाती जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्यात यावा याकरिता आज आम्ही नागपूरचे पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार यांची भेट घेतली व त्यांना खासदार नवनीत राणा यांच्या सहीनिशी तक्रार दाखल केली। कोविड की तीसरी लहर भले ही नियंत्रण में आ गई हो, लेकिन नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं। सोमवार को पॉजिटिव आए 4 मरीज दिल्ली से आए हैं, इसलिए स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। नागपुर जिले में कोविड संक्रमण ने मार्च 2020 में दस्तक दी थी। जानकारों की राय में कोविड महामारी की पहली लहर में दिल्ली से आए मरीजों के कारण संक्रमण बढ़ने की बात कही जा रही है। जून महीने में कोविड की चौथी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 3 दिनों से कोविड के मरीज सामने आने लगे हैं। खास बात यह है कि सोमवार को पहली बार एक ही दिन में 4 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पॉजिटिव आए 4 मरीजों में 48 व 50 वर्षीय महिला है, जबकि 43 व 75 वर्षीय पुरुष है। इनमें से 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं और वे धर्मपेट जोन के अंतर्गत रहते हैं। ये तीनों अलग अलग काम से दिल्ली गए थे। दिल्ली से नागपुर लौटने पर उनमें लक्षण नजर आए। वहीं धंतोली जोन में पॉजिटिव आए एक अन्य मरीज का रिश्तेदार भी दिल्ली से आया था। उसके संपर्क में आने से वो भी संक्रमित होने की बात कही जा रही है। गुप्तधन की लालच में अपनी ही बेटी की बलि देने का प्रयास पिता ने करने का मामला सामने आया। आधी रात में गड्ढे की खुदाई कर बलि देने के लिए पूजा की तैयारी कर ली गई थी। इसी बीच पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा आरोपी पिता तांत्रिक समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना यवतमाल जिले में बाबुल गांव तहसील के ग्राम मादड़ी में सोमवार को आधी रात में हुई है। मादनी निवासी राजकुमार धकाते हमेशा अपने घर के पीछे के कमरे में गुप्तधन होने की चर्चा करता था। इसी बीच उसने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर के पिछले कमरे का निरीक्षण किया और कहा कि गुप्तधन है, इसे बाहर निकालने के लिए नरबलि देनी होगी। धकाते गुप्तधन के लिए नरबलि देने के लिए तैयार हो गया।
उसने घर के पीछे के कमरे में गड्ढे की खुदाई कर पूजा की पूरी तैयारी कर ली। इसी बीच जिस लड़की की बलि चढ़ाई जाने वाली थी, उसने तांत्रिक और पिता की बात दूसरे कमरे से सुन ली। उसने तुरंत अपने मोबाइल में पिता और तांत्रिक के बीच जारी चर्चा तथा खुदाई किया हुआ गड्ढा एवं पूजा की शूटिंग की फोटो खींचे और वीडियो और फोटो यवतमाल के दोस्त को भेज दिए। उसने इसकी जानकारी यवतमाल पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत बाभुलगांव पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी। यवतमाल जिल्ह्यातील बाभुलगांव पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रामध्ये ही दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। यामध्ये स्वतः पित्यानेच त्यांना दोन मुली आहेत, मोठ्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून गुप्तधनासाठी तिला नरबळी देण्याचा निर्घृण प्रकार उघडकीस आलेला आहे। खरं तर पोलीस विभागाच्या आणि सजग आणि सुजाण नागरिकांच्या दक्ष जागरूकतेमुळे हा नरबळी होण्यापासून त्या मुलीला वाचवण्यामध्ये यश आलेलं आहे। कालच्या या घटनेमध्ये स्वतः मुलीने सुद्धा धीरोदात्तपणे आपल्या वडिलांच्या दबाव दडपणाला न जुमानता ज्यावेळी ही गुप्तधन काढण्यासाठी त्यांनी खड्डा खोदला, त्या मुलीची पूजा अर्चा करून तिला फुलांचा हार घातला, दुधाचा नैवेद्य देवारामध्ये दाखवला, त्या दरम्यान अत्यंत हुशारीने मुलीने या खड्ड्याचा फोटो तिच्या मित्राला व्हॉट्सअपद्वारे पाठवला। त्या मित्राने आमच्या SDP ऑफिसमधील कर्मचाऱ्याला तो शेअर केला। जशी ही माहिती मिळाली तर आमची स्थानिक गुन्हे शाखा SDP ऑफिसचे आमचे अधिकारी कर्मचारी आणि स्थानिक बाभुळगाव पोलीस स्टेशनचे अधिकारी कर्मचारी यांनी तात्काळ त्या घटनास्थळी जाऊन त्या ठिकाणी त्या मुलीचे वडील, मांत्रिक, खड्डा खोदणारे मजूर आणि इतर तांत्रिक सहाय्य करणारे सर्व आरोपी अशा एकूण 9 आरोपितांना ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। आणि त्याप्रमाणे भादवी कलम 307, 376, त्याप्रमाणे जो महाराष्ट्र नरबळी आणि जादू टोणा प्रतिबंधक कायदा आहे त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि या 9 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
नागपुर में पिछले चार दिनों से तापमान बढ़ गया है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने भारत के उत्तर पश्चिम से मुख्य रूप से राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने आज से अगले दो दिनों के लिए नागपुर में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। नागपुर की गर्मी से अब नागपुरवासी हैरान हो गए हैं। पिछले दो दिनों से नागपुर में तापमान बढ़ गया है, जबकि नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में तापमान और बढ़ने की जानकारी दी है। इसीलिए नागपुर में अगले पांच दिनों तक गर्म रहने की संभावना है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार नागपुर, अकोला और बुलढाणा जिलों में भी तापमान बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए मौसम विभाग ने भी नागरिकों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि वे धूप में 12 से 4 बजे के दौरान बेवजह घर से न बाहर निकले। नागपुर जिला प्रशासन को भी नागरिकों को धूप से बचाना चाहिए और छाया में आश्रय लेना चाहिए। अपील है कि जरूरत पड़ने पर ही पूरी सावधानी से घर से बाहर निकले। लोग खुद को धूप से बचाने के लिए तरह तरह के शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं और व्यापारी खुद को धूप से बचाने के लिए दुकानों में ग्रीन नेटिंग शेड लगाते नजर आ रहे हैं। छाया और ठंडक प्रदान करने के लिए नागरिकों ने अपने अपने घरों में हरे रंग के जाल लगा लिए हैं। गर्मी बढ़ना शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान में वृद्धि हो गई है और कुछ स्थान पे जो है तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। जैसे वर्धा 45 है, ब्रह्मपुरी 44.9 है और चंद्रपुर 44.6 है। ये सब लगभग 45 के आसपास है। तो और बाकी जगह में भी देखें तो अकोला, नागपुर ये सब 44 के आसपास चल रहे हैं। तो संभावना ये बन रही है कि अगले पाँच दिन जो है विदर्भ में काफ़ी गर्मी रहेगी। हीट वेव की चेतावनी दी गई है आज से, और आज और कल जो है कुछ स्थानों पे हीट वेव की स्थिति रहेगी। अगले उसके बाद के तीन दिनों में कहीं कहीं पे हीट वेव की स्थिति रहेगी। अभी जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वर्धा, चंद्रपुर, इसके बाद में अकोला, नागपुर, इन सब जगहों पे जो है टेम्परेचर 2-3 दिन में बढ़ के हीट वेव की स्थिति बन जाएगी। मुख्यतः कौन से जिले जिनमें टेम्परेचर में अचानक से वृद्धि हुई और बाकी कौन से जिले जो आने वाले दिनों में ये 45 का मार्क क्रॉस करेंगे? अभी जो मुख्य जो बढ़े हुआ है टेम्परेचर 45 के आसपास है वो दो जिले हैं, वर्धा और चंद्रपुर, और आगे अकोला, नागपुर और बुलढाणा, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे 45 के आसपास टेम्परेचर जा सकता है। क्या मुख्य कारण है सर ये टेम्परेचर बढ़ने का? अभी जो है उत्तर भारत से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं राजस्थान की तरफ से, वो ड्राई और हॉट एयर जो है वहाँ से आना शुरू हो गया है, और जो सेंट्रल इंडिया में विंड डिसकंटिन्यूटी थी जिसके कारण बंगाल खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा था वो कमज़ोर पड़ गया है और उसका असर कम हो गया है क्योंकि वो थोड़ा दक्षिण में भी चला गया, तो इसलिए उसका विदर्भ में उसका असर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में कोई राहत की संभावना नहीं? अभी कोई संभावना नहीं है राहत की, अभी हीट वेव की चेतावनी अगले 5 दिन के। कोविड से बचाव के लिए नागपुर शहर में 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन शहर में 12 से 14 आयु वर्ग के केवल 25,155 बच्चों को अब तक इसका पहला टीका और 647 बच्चों को दूसरा टीका लग सका है। वहीं 15 से 17 आयु वर्ग के 85,408 बच्चों को पहला और 62,875 बच्चों को दूसरा टीका लगा है। इसके बीच अब 6 से 11 साल के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाने की घोषणा हुई है। इन बच्चों को कोवैक्सीन टीका ही लगाया जाएगा। ज्ञात हो कि पहली लहर के बाद जिले में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण शुरू हुआ है। सरकारी केंद्र पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत की गई। इन दोनों टीकों को स्पुतनिक वी वैक्सीन के साथ निजी केंद्रों पर उपलब्ध कराया गया था। 15 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों का टीकाकरण पहली बार 3 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। इन किशोरों को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को कंपनी बायोलॉजिकल ई कंपनी के कॉर्बेवैक्स का टीका लगाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1204 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 863 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,508 पहुंच गई है। देश की राजधानी को फिर अपने कहर से डराने की कोशिश कोरोना कर रहा है। जहां एक और पूरे देश से कोरोना के मामले न के बराबर आ रहे थे, वहीं दिल्ली में कोविड ने अपना फन निकाला है, जिसके चलते अब यहां फिर एक बार चिंता का विषय बन रहा है। प्रशासन इस विषय पर गंभीरता से कदम उठा रहा है। तमिलनाडु के तंजावुर में एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है।
मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस हादसे में 15 अन्य घायल भी हुए हैं। वार्षिक उत्सव के दौरान रथ के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। घटना की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही क्षणों में 10 लोगों की जान चली गई और ये मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। 15 अन्य गंभीर रूप से घायल है। तो मॉर्निंग बुलेटिन में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।